नमस्कार साथियों, जीवन ज्योति डॉट शक्ति प्रोग्राम में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके सामने ये जो दिखा रहा हूं, ये गाजर है। आप इसको अच्छी तरह जानते होंगे। गाजर सब्जी ही नहीं है, इसके कई तरह के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। जैसे गाजर का हलवा बनाया जा सकता है, गाजर की बर्फी भी बनाई जाती है, गाजर की सब्जी भी बनाई जाती है। तो ये गाजर जो है, ये हर तरह से हम प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गाजर औषधि के रूप में ये प्रयोग किया जा सकता है? तो आइए हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और ये कैसे हमारे जीवन में औषधि बन कर के हमारे जीवन को सरल बनाती है। तो देखते हैं साथियों, गाजर दो प्रकार की होती है, एक तो कृषि और एक वन्य। एक जो जंगली गाजर होती है वो जंगल में पाई जाती है, और जो कृषक गाजर होती है वो कृषिजन्य गाजर वो खेतों में किसानों द्वारा उगाई जाती है। तो इसी तरह गाजर का हम हलवा भी बनाते हैं, गाजर का अचार बनाते हैं, गाजर का मुरब्बा बनाते हैं, और ये कई तरह की होती है। लाल, पीली और काली गाजर भी पाई जाती है। तो साथियों, गाजर में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, रेशे, खनिज तत्व, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, और इसमें विटामिन ए, बी, सी तथा विटामिन बी समूह के थायमिन, रिबोफ्लोविन तथा निकोटिनिक अम्ल पाए जाते हैं। इसके बीजों में एक उड़नशील तेल भी पाया जाता है, और गुणधर्म में ये तीक्ष्ण मधुर, थोड़ी कड़वी होती है, गर्म होती है, अग्निदीपन, हल्की ग्राही और रक्तपित्त, बवासीर संग्रहण नहीं, कफ वात का नाश करने वाली होती है। तो साथियों, ये था गाजर के बारे में छोटा सा परिचय। अब मैं आपको बताता हूँ कि गाजर औषधि के रूप में कहाँ पे प्रयोग की जाती है और कैसे इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, हमारा आजकल का खान पान, जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हृदयघात, हार्ट अटैक की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि हमारे खान पान में तेल अच्छा नहीं है, खनिज पदार्थ जो हम खाते हैं अन्न, उसमें जो है दवाइयों का छिड़काव ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमारे शरीर को वो सब नहीं मिल पाता जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि हृदय घात आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो साथियों, जिनको हृदय घात की संभावना बनी रहती है या उनको वहम होता है कि हमारा हृदय कमज़ोर है, तो उसके लिए आप क्या करें, 5 से 6 गाजर को ले लीजिए। तो साथियों, 5 से 6 गाजर ले करके आप पहले आग बना लें, उपला अगर आपके पास मिल जाता है गोबर का कंडा तो उसका आग बना लें, और 5-6 गाजर को जो है आग पे इसको पका लें। और अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो कच्ची गाजर ही रात को छिल लें, जैसे कि कच्ची गाजर इसको छिल लें, और छिलने के बाद में इसको बाहर ओस में रख दें, और सारी रात को इसको ढक के किसी ऐसी चीज़ से ढक दीजिए जिससे कोई कीट पतंग इस पर ना बैठें, और बाकी ये ओस इस पर पड़ती रहे। तो जब ये ओस में रखी रहने देंगे तो सवेरे उठ करके इस गाजर को काट कर इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा केवड़ा मिला सकते हैं या गुलाब जल मिला सकते हैं, और गुलाब जल के साथ में आप चाहें तो मिश्री मिला सकते हैं। तो इस तरह मिश्री और केवड़ा, गुलाब जल मिला करके खाने से आपकी जो हृदय है उसको ताकत मिलती है, और उसकी जो दिल की धड़कन है वो बिल्कुल सामान्य हो जाती है। तो साथियों, हृदय के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाजर को आप कद्दूकस कर लीजिए, और कद्दूकस करके इसको दूध में उबालकर खीर की तरह, जैसे कि हम गाजर का हलवा बोलते हैं, तो खीर की तरह इसको दूध में उबाल लीजिए, और उबालने के बाद में आप उसमें मिश्री मिला करके खाएँगे तो इससे आपके दिल को बहुत ही ताकत मिलेगी, और आपके जो अंदर खून की कमी है, खून की कमी भी आपकी दूर हो जाएगी। तो साथियों, दिल के लिए ये बहुत अच्छी है गाजर, घरेलू गाजर है, आप इसको लाइए और इसको दूध में पका करके खाएंगे तो आप देखेंगे आपके दिल को ताकत मिलेगी। तो साथियों, हम दूसरा देखते हैं कि यदि किसी के छाती में दर्द है, सीने में दर्द है, तो क्या करें, गाजर को भाप में पका लीजिए, कुकर में रख करके या किसी ऐसे बर्तन में रख लीजिए, किसी कढ़ाई में रख लीजिए, उसके ऊपर कोई छन्नी रख दीजिए उसमें इसको, और नीचे पानी डाल के इसको भाप में पकानी है।
गाजर को भाप में उबाल लीजिए, पका लीजिए, और उसमें उसका फिर 10 ग्राम रस निकालिए। जब गाजर पक जाए उसका 10 ग्राम रस निकाल लीजिए, और इसमें 20 ग्राम शहद मिलाकर के पीने से आपकी जो छाती की पीड़ा है, आपके सीने का जो दर्द है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। दूसरा साथियों, खांसी, यदि किसी को बहुत ज़्यादा खांसी है और बलगम है सीने में जमा हुआ, तो क्या करें, गाजर का रस निकाल लीजिए, गाजर का रस निकाल करके और मिश्री में मिला लीजिए, और उसकी एक तरह से चटनी बना लीजिए। चटनी बनाने के बाद में अब इसको काली मिर्च थोड़ा सा डाल दीजिए, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च पीस लीजिए, या अगर आपको और भी वो लगता है तो इसको थोड़ा सा गाजर जो है इसकी मिक्सी में डाल के इसकी चटनी बनाइए, सिलबट्टे पे पीस लीजिए। सबसे अच्छा सिलबट्टे पे गाजर को पीस लीजिए, और सिलबट्टे पे पीसने के बाद में इसमें काली मिर्च थोड़ा सा डालिए, और काली मिर्च डाल करके और जब ये गाजर खाएंगे आप, तो देखेंगे कि आपका जो सीने में जमा हुआ कफ है, वो कफ पूरी तरह बाहर निकल जाएगा और खांसी में आपको आराम मिलेगा। साथियों, और इसका हम बवासीर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं बवासीर बहुत बुरी बीमारी होती है, उसमें बहुत तकलीफ़ होती है भाइयों को। यदि किसी को भी बवासीर हो जाती है, तो खूनी बवासीर में यदि ज़्यादा ही खून निकल रहा है, तो आप क्या करें, दही की मलाई लीजिए, दही जमा लीजिए, और दही की मलाई जो निकलेगी उसके साथ में प्रयोग करना है, और इसे 10 से 20 ग्राम इसका जो रस निकालना है, इसमें 10 से 20 ग्राम रस निकाल लीजिए, और दही की मलाई में मिला करके आप खाएंगे, तो देखेंगे कि आपका जो खूनी बवासीर है उसमें बहुत ही लाभ मिलेगा। दूसरा साथियों, मैं बात करूँगा, हमारी कई ऐसे माताएं बहनें हैं जिनके मासिक धर्म में कई परेशानी होती है और उनको बहुत पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ़ होती है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, गाजर का क्वाथ बना लीजिए। गाजर का क्वाथ, ये जैसे गाजर है, इसको आप इसका जिस तरह से क्वाथ का मतलब सूप एक तरह से होता है, जैसे गाजर का सूप बना लीजिए, और इसको उबालिए अच्छी तरह। उबालने के बाद जब ये तीन हिस्सा रह जाए, एक हिस्सा जल जाए, तो आप क्या करेंगे, कुछ दिनों तक उसका सेवन कराएंगे। उसको पीने से और क्या होगा, जो गर्भाशय के अंदर जो भी दूषित चीज़ें हैं, वो सब तो जो उसमें दूषित पदार्थ हैं, जो भी गर्भाशय के अंदर, जिससे कि हमारी माताओं बहनों को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, बहुत तकलीफ़ होती है, तो वो पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा और होने वाले मासिक धर्म में दर्द भी नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है हमारी माताओं बहनों के लिए, जिनको मासिक धर्म में बहुत दर्द होता है और गर्भाशय में बहुत तकलीफ़ होती है, पीड़ा होती है। तो इसका सूप बना लीजिए, क्वाथ बना लीजिए इसका, और तीन हिस्सा रह जाए तो उसको कुछ दिन पिलाएंगे, तो आप देखेंगे कि हमारी माताओं बहनों को बहुत ही लाभ मिलेगा और उनको मासिक धर्म में तकलीफ़ नहीं होगी। दूसरा साथियों, हमारी कई ऐसी बहनें हैं जो गर्भवती हैं और जिन्होंने मतलब गर्भाधान किया हुआ है, या उनका समय आ गया है डिलीवरी का, तो उसके लिए क्या करेंगे, बहुत तकलीफ़ होती है उस समय, तो उसके दर्द को कम करने के लिए गाजर का बीज ले आइए आप। गाजर का बीज बाज़ार में पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, 10 ग्राम गाजर का बीज, और अगर पत्ते मिल जाएँ, जैसे कि अभी गाजर आ रही है तो उसके पत्ते मिल जाएँ, या 100 ग्राम पत्ते, उसका काढ़ा बना करके आप जब पिलाएंगे, तो आप देखेंगे हमारी बहनों को जब जो परसों के समय जो है कष्ट कम होगा, दर्द कम होगा, तो आप इसका देखें कि जिन बहनों को प्रेग्नेंट हैं, जो महिलाएं गर्भाधान किए हुए हैं, उनके लिए परसों के समय ये जो है 10 ग्राम गाजर के बीज और 100 ग्राम पत्तों का काढ़ा बना करके देने से परसों में दर्द कम होता है, तो आप इसके लिए भी गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, हमारी कई ऐसी माताएं बहनें हैं जो मतलब बच्चों को जन्म देने से और खून की कमी हो जाती है, या उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसके कारण उनके शरीर में सूजन बनी रहती है, हाथ पैरों में दर्द रहता है। हमारी ऐसी कई माताएं बहनें हैं जो मतलब बच्चों को जन्म देने के बाद में खान पान ठीक से नहीं कर पाती हैं, या जो है ऐसी हालत नहीं होती है कि वो अच्छा घी खाएं या अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, तो कई बार होता है कि मध्यम क्लास की औरतें जो हैं, जो मीडियम घरों की औरतें हैं, वो ठीक से खा पी नहीं पाती हैं, या जो भी उनको खाना चाहिए वो नहीं खा पाती हैं, जिससे कि उनके शरीर में
खून की कमी हो जाती है और कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो जिससे उनके शरीर में सूजन बनी रहती है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जो है सर्दियां जैसे आती हैं, या गाजर तो अब हमेशा मिलती रहती है, तो गाजर ला करके और उसकी सब्जी बनाकर खाएं। जैसे गाजर है तो उसकी सब्जी, खाली गाजर की सब्जी बना करके खाएंगे तो आप देखेंगे खून की कमी दूर होगी, कैल्शियम की कमी दूर होगी और सूजन जो शरीर में रहती है सूजन नहीं होगी। तो साथियों मेरी आपसे यही विनती है कि हमारी माताएं बहनें स्वस्थ रहेंगी तभी जो है घर भी स्वस्थ रहेगा। तो उसके लिए आप ये करें, ज़्यादा से ज़्यादा गाजर का सेवन कराएं। इतना भी नहीं सेवन कराना है कि नुकसान कर जाए, लिमिटेड मात्रा में सेवन कराते रहिए गाजर का, गाजर का जूस या गाजर की सब्जी, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा साथियों, यदि आपके शरीर में कहीं फोड़ा हो गया है और वो बिगड़ गया है, लगता है कि घाव बढ़ता ही जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या करें, गाजर को अच्छी तरह कद्दूकस कर लीजिए, इसको अच्छी तरह महीन पीस लीजिए, इसकी पुलटिस बनानी है आपको, पुलटिस बना करके और जहाँ भी घाव है फोड़ा है वहाँ पर इसको पुलटिस बना करके गाजर की रख के और बांध दीजिए। आप कुछ दिनों तक देखेंगे इसको लगातार, इसको बदलना है, रोज़ बांधना है और आप देखेंगे गाजर की जो पुलटिस है वो बांधने से जो फोड़े बिगड़ जाते हैं वो बहुत जल्दी ठीक होने लगते हैं। तो साथियों ये था गाजर के बारे में जो मैंने आपको बताया, तो और उम्मीद करता हूँ कि मेरी बताई हुई चीज़ आपको पसंद आई होगी और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस्तेमाल करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मैं अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूँगा। नमस्कार।